हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आई होप आप सब अच्छे होंगे और बहुत मेहनत कर रहे होंगे। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है काइनेमैटिक्स। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है और बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट, काइनेमैटिक्स का मतलब होता है एनालिसिस ऑफ मोशन, है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन का एनालिसिस, उसको स्टडी करना, ये सब। स्टूडेंट्स, मोशन क्या होता है देखो, यहाँ पे ये मैंने आपको अच्छी अच्छी पिक्स ला के रखी है। यहाँ पे आपने देखे, यहाँ देखे आप, ये जो बच्चे हैं ये खेल रहे हैं, स्टूडेंट्स कुछ दौड़ रहे हैं, है ना, ये मोशन में है, चल रहे हैं, तो हमें कहेंगे ये मोशन में है। यहाँ देखो नदी में पानी बह रहा है, नदी का जो पानी है वो बह रहा है, चल रहा है, ये कहेंगे मोशन में है, पानी जो है मोशन में है। यहाँ इस पंखे को देखो, ये घूम रहा है, ये भी चल रहा है, स्टूडेंट्स तो हम कहेंगे पंखा जो है मोशन में है। यहाँ पे देखो ट्रेन, और ट्रेन के आसपास देखो ये धूल, डस्ट पार्टिकल्स उड़ रहे हैं, चल रहे हैं, ये ट्रेन भी चल रही है। तो चलना मतलब मोशन, कोई ऑब्जेक्ट हमें चलते हुए दिखती है मतलब वो मोशन में है, ये मतलब। तो स्टूडेंट, मोशन तो हम देख सकते हैं कई सारे एग्जाम्पल डे टू डे लाइफ में भी होते हैं। हम क्या करते हैं, पूरे जितने भी मोशन हो सकते हैं उन सब को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट्स, वो है ये, वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन, थ्री डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशन को शॉर्ट में 1D भी कहते हैं। अब ये वन डायमेंशन, ये डायमेंशन क्या आपने वर्ड सुना है पहले? हाँ, ये आपने सुना था यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में, है ना, वहाँ पर उसका मतलब अलग था। यहां पर आप मान सकते हो कि डायमेंशन एक प्रकार से एक डायरेक्शन है, डायरेक्शन है। तो अगर एक पार्टिकल एक ही लाइन के अलोंग मूव करता है स्ट्रेट लाइन में, या तो इस साइड जाएगा या तो पीछे आएगा, इस प्रकार से मोशन कर रहा है अलोंग द स्ट्रेट लाइन, तो उसके मोशन को बोलते हैं वन डायमेंशन मोशन। और ऐसे मोशन को एनालाइज करने के लिए हमें सिर्फ एक एक्सिस चाहिए। तो हम अगर इसको, इस लाइन को एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये साइड नेगेटिव हो जाएगा, हम क्या कर सकते हैं इसके मोशन को एनालिसिस कर सकते हैं। देखेंगे कैसे करेंगे स्टूडेंट। 2D मोशन, एग्जांपल 2D मोशन का, जैसे कि ये जो है आप जिस कंप्यूटर पे देख रहे होंगे ये वीडियो, उस वीडियो पे मान लीजिए एक चींटी है, वो यहाँ से चलना शुरू करती है और ऐसे ऐसे कहीं चलती है, तो जो चींटी का जो मोशन होगा स्टूडेंट वो कैसा मोशन होगा? 2D मोशन। 2D मोशन ऐसा कहते हैं मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन ए प्लेन। और ऐसे मोशन को स्टडी करने के लिए हमें दो परपेंडिकुलर एक्सिस या दो परपेंडिकुलर डायमेंशंस की जरूरत पड़ती है, एक्स वाई। देखेंगे इसको हम कैसे करते हैं, जैसे समय आएगा हम सब कुछ समझेंगे। स्टूडेंट्स, 3D मोशन क्या होता है, इसका एग्जांपल ये देखो, एक मैंने बनाया है क्यूब, इसको हम कंप्लीट करते हैं, क्यूब या क्यूबॉइड बोल दो, या एक कमरे के समान है ये। अब इमेजिन करो कि एक मच्छर है जो इस कमरे में घूमता रहता है किसी भी दिशा में, तो उसका मोशन कैसा होगा? कभी इस दीवार पे है, कभी इस दीवार पे, कभी इस दीवार पे है, उसका मोशन कैसा होगा? वो होगा 3D मोशन। इसको कहते हैं मोशन इन स्पेस। तो स्टूडेंट्स, हमें 2D और 3D मोशन तो अभी पढ़ना नहीं है, हमें तो 1D मोशन ही पढ़ना है इस चैप्टर में। और मोशन को समझने के लिए हमें कुछ फिजिकल क्वांटिटीज तो समझनी होगी, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज जो पहले से आप जानते हैं, आप 10th पास कर चुके हैं, आपको वो फिजिकल क्वांटिटीज पता भी है, वो फिजिकल कौन कौन सी है वो बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स। ये पोजीशन, पोजीशन ऐसा नहीं कि आपने पहली बार सुना है, जब वेक्टर्स पढ़े थे तब भी हमने पोजीशन के बारे में पढ़ा है, है ना स्टूडेंट्स। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये चारों पॉइंट जब आपके सारे क्लियर हो जाएंगे उसके बाद आपको 1D मोशन ईजी लगेगा, ईजी। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं पोजीशन से। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, पोजीशन। तो स्टूडेंट पोजीशन क्या होता है, बहुत ही आसान शब्द में कहें तो स्टूडेंट पोजीशन का मतलब सिंपली होता है एड्रेस, है कि नहीं? आप अपने घर की पोजीशन बताते हो या अपने घर का पता बताते हो, एड्रेस कैसे बताते हो? तो स्टूडेंट अगर हम अपने घर का एड्रेस बताते हैं किसी को, तो सबसे पहले अपने घर के आसपास कोई फेमस जगह, कोई भी फेमस जगह, हो सकता है आपके घर के आसपास कोई रेस्टोरेंट हो, आपके घर के आसपास कोई होटल होगा, हो सकता है आपके घर के पास आपका स्कूल होगा, तो
तो आप क्या करोगे, पहले सबसे पहले अपने मान लो आपके फ्रेंड को बुलाना है तो उसको फ्रेंड को स्कूल तक बुलाऊंगे, है ना, और कहूंगे भैया सपोज इस तरीके से कहा, स्कूल तक आ जा पहले, फिर 500 मीटर लेफ्ट चल देना तो घर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 500 मीटर लेफ्ट बोलना भी ज़रूरी है ना, अगर राइट बोल दिया होता तो कहीं और ही पहुँच जाता, फिर पहुँचता ही नहीं कभी। तो यहाँ पर लेफ्ट और राइट भी इंपॉर्टेंट, मतलब डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए स्टूडेंट्स पोजिशन एक वैक्टर क्वान्टिटी कहलाती है, मतलब पोजीशन आपको डिस्क्राइब करना है तो आपको मैग्नीट्यूड बताना पड़ेगा, डायरेक्शन बताना पड़ेगा। अब स्टूडेंट हमें तो पढ़ना है वन डायमेंशन मोशन, मतलब मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, जैसे कि ये लाइन पे मोशन हो रहा है। तो अगर इस लाइन पे मोशन हो रहा है, हम चाहते हैं कि इस लाइन पे मौजूद कोई भी पॉइंट का पोजीशन हम बता पाएँ, है ना, डिफाइन कर पाए पोजीशन, तो कैसे करेंगे स्टूडेंट? सबसे पहले हमें एक रेफरेंस मानना पड़ेगा, जैसे कि हमने स्कूल को रेफरेंस बनाया था, पहले भी दोस्त को हमने बुलाया स्कूल पे, और किसी को भी बुलाएंगे तो पहले स्कूल बुलाएंगे, क्योंकि हमारे घर के पास जो फेमस जगह है वो स्कूल है, वो रेफरेंस था। वैसे ही हम जब स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे, इस लाइन पे लाई करने वाले पॉइंट्स की पोजीशन डिफाइन करना चाहेंगे, तो पहले हमें बताना पड़ेगा एक रेफरेंस। तो सपोज़ वो रेफरेंस यहाँ मान लेते हैं स्टूडेंट्स, ये इसको बोल दिया एक्स इक्वल टू जीरो, ये है रेफरेंस। अब स्टूडेंट्स अगर कोई इस लाइन पे चलेगा, या तो वो राइट जाएगा या तो लेफ्ट जाएगा। अब अगर मैं राइट को पॉजिटिव मान लेता हूँ, राइट को पॉजिटिव मान लेता हूँ, पॉजिटिव मान लिया तो लेफ्ट अपने आप नेगेटिव नहीं हो जाएगा, और अगर मैं लेफ्ट को पॉजिटिव मान लूंगा तो राइट नेगेटिव हो जाएगा। बट बाय कन्वेंशन हम क्या करते हैं, हमेशा पॉजिटिव जो है राइट को मान लेते हैं तो लेफ्ट अपने आप नेगेटिव, सभी लोग ऐसा करते हैं। अब स्टूडेंट देखो, मैं पोजिशंस को मार्क करता हूँ, ये x इज इक्वल टू जीरो मान लिया, तो यहाँ से अगर कोई राइट हैंड साइड एक मीटर दूरी पे कोई पॉइंट है तो उसको मैं ऐसे लिखता हूँ x इज इक्वल टू प्लस वन, है ना, वन मीटर। ये प्लस बता रहा है कि ये राइट हैंड साइड रेफरेंस के रेस्पेक्ट में और वन मीटर दूरी पे है। कोई पॉइंट रेफरेंस से लेफ्ट साइड अगर होगा वन मीटर दूरी पे तो मैं उसको कैसे लिखूंगा, x इज इक्वल टू माइनस वन, माइनस बता रहा लेफ्ट में है और वन उसका क्या है, मैग्नीट्यूड है वन मीटर दूरी पे। सिमिलरली कोई पॉइंट टू मीटर दूरी पे होगा तो मैं उसको लिख दूंगा प्लस टू, थ्री मीटर पे होगा तो प्लस थ्री, लेफ्ट साइड में अगर वो टू मीटर दूरी पे होगा तो प्लस टू, फिर प्लस थ्री, ऐसे माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक सारे पॉइंट इस लाइन पर मैं मार्क कर सकता हूँ, हर एक पॉइंट की पोजिशन पता होगी, है ना स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हम पोजिशन पता कर सकते हैं, ये है तरीका हुआ पोजिशन डिफाइन करने का, है कि नहीं स्टूडेंट्स। तो वन डायमेंशन मोशन में पोजीशन डिफाइन करना तो बड़ा आसान है। एक बार हम 2D और 3D में भी देख लेते हैं कि पोजीशन कैसे डिफाइन करेंगे, ऑल दो में पढ़ना नहीं है बट एक बार देखते तो हैं कि 2D और 3D में कैसे पोजीशन डिफाइन करते हैं। तो सपोज करते हैं ये 2D, तो 2D में पार्टिकल प्लेन में चल सकता है ना, एक प्लेन मतलब हवाई जहाज नहीं, प्लेन मतलब कोई सरफेस पर, जैसे ये आपका जो जिस स्क्रीन पे आप देख रहे हो वो स्क्रीन पर कोई चींटी चल रही, इमेजिन कर लो, अभी समझ में आ जाएगा। तो 2D मोशन को समझने के लिए हमें चाहिए होती दो एक्सिस, मान लेते हैं इसको x, इसको मान लेते हैं y। अब अगर एक पॉइंट सपोज 2, 3, तो इसकी पोजीशन सपोज वो पॉइंट के रेस्पेक्ट में क्या होगी लिखना है, तो हम कैसे बताएं किसी को, किसी को अगर यहाँ से यहाँ पहुँचाना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसको बोलेंगे भाई पहले 2 मीटर जा x में, फिर 3 मीटर जा y में, तो पहुंच जाएगा कहाँ पे, यहाँ। इसका जो पोजीशन है इसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर मैं कैसे लिखूँगा, तो 2i कैप प्लस 3j कैप, मतलब 2i कैप में जा, फिर 3j कैप में जा, इस तरीके से। कोई और पॉइंट भी होता ना स्टूडेंट्स, ऐसे माइनस 2, 3 होता है, ऐसा पॉइंट होता, तो इसका पोजीशन वेक्टर सपोज R2 है तो मैं लिखता माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप। ये माइनस 2 बता रहा है कि 2 मीटर जाओ पहले माइनस x में, फिर 3 जाओ प्लस x में, तो माइनस x डायरेक्शन के लिए हमने माइनस i कैप कर दिया। बस ये थोड़ा वेक्टर तो आप पढ़ चुके हैं, लेकिन स्टूडेंट ये तरीका है। स्टूडेंट अगर 3D में एक पॉइंट है सपोज x, y, z, अगर हमें ये पॉइंट का पोजीशन लिखना है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन,
तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो r इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। मतलब स्पेस में लाया करने वाला कोई भी पॉइंट हो, आपको उसका पोजिशन वेक्टर लिखना है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ये एक इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स। तो आप लिख सकते हो r वेक्टर इज इक्वल टू दिस, सपोज एग्जांपल के तौर पे -3, 4, 5 ले लेते हैं। इसका पोजिशन वेक्टर क्या होगा, ये जो पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है ये, उसका पोजिशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हो जाएगा -3i कैप + 4j कैप + 5k कैप। बड़ा इजी है है ना स्टूडेंट्स। तो ये होता है पोजिशन। 2D और 3D के बारे में वैसे भी हम चर्चा करेंगे बहुत अच्छे से, हमें तो वन डायमेंशन मोशन अभी पढ़ना है, उस पर फोकस हमारा ज़्यादा रहेगा स्टूडेंट। अब अपन आगे बढ़ते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं आगे। ओके स्टूडेंट्स, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ओके क्या होता है, ऐसा तो है नहीं कि आपने कभी पढ़ा नहीं, पढ़ा तो पहले भी है, लेकिन अब हम जरा सारी बारीकियाँ इसकी पढ़ लेंगे। पहले डिस्टेंस की बात करते हैं, है ना। तो उसके लिए एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज एक पार्टिकल है, वो पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करता है, ठीक, और कुछ ऐसे चलता चलता और पॉइंट बी पर पहुंच जाता है, पॉइंट बी पर पहुंच गया इस तरीके से। तो उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया अगर ये पता करना है तो कैसे पता करेंगे। डिस्टेंस का सिंपल मतलब होता है कि जो उसने पाथ, जिस पाथ पे वो चला है, उस पाथ की लेंथ कितनी है। या ऐसे कहें कि ये जो पाथ आपको दिख रहा है ये एक रस्सी है, तो इस रस्सी की जितनी भी लंबाई होगी ना स्टूडेंट, वही है डिस्टेंस, लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय पार्टिकल। ये स्टूडेंट्स जो रास्ता है, इस रास्ते की पूरी लंबाई को हम कहते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब इसके अगर हम डिस्टेंस समझाना है तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड कितना है बताना है, यहाँ डायरेक्शन कोई काम ही नहीं होता स्टूडेंट। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो आपको मजा आएगा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है स्टूडेंट। डिस्प्लेसमेंट को आप कह सकते हो शिफ्ट इन पोजिशन। जैसे पार्टिकल जो है ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया, तो किधर शिफ्ट हुआ, ए से लेके बी की तरफ शिफ्ट हुआ, कितना शिफ्ट हुआ, तो ये ए बी डिस्टेंस जितना भी होगा ये है कि नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट को हम कह सकते हैं शिफ्ट इन पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल स्टूडेंट्स। ये अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, सपोज ये जो लाइन है ए से लेके बी जो ज्वाइन करते हैं, इसको करते हैं ये ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, डिस्प्लेसमेंट ए से लेकर बी की तरफ हुआ है, तो डायरेक्शन तो हुई इधर की तरफ, है ना स्टूडेंट। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हुई इधर की तरफ, और मैग्नीट्यूड कितना होगा स्टूडेंट्स, तो कितना डिस्प्लेस हुआ है, ये ए बी की जितनी भी लेंथ होगी उतना ही तो शिफ्ट हुआ है ना स्टूडेंट। मान लिया कि ये लेंथ है 10 मीटर, तो पार्टिकल ए से लेके बी 10 मीटर शिफ्ट हुआ है ए बी लाइन की दिशा में, है ना। यहाँ पे दिशा बताना पड़ रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि मान लिया पार्टिकल शिफ्ट हुआ होता इधर 8 मीटर, इधर 10 मीटर शिफ्ट हुआ होता, 10 मीटर शिफ्ट हुआ होता इस दिशा में, तो स्टूडेंट इधर शिफ्ट होना अलग बात है और इधर शिफ्ट होना अलग बात है। इधर डिस्प्लेसमेंट अलग हुआ, इधर डिस्प्लेसमेंट अलग हुआ, है ना, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन अलग होने से डिस्प्लेसमेंट बदल गया, इसलिए डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है स्टूडेंट्स, है कि नहीं। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन है उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के बराबर। तो ये लाइन ए बी की जो भी लेंथ होगी वही क्या हुआ इसका डिस्प्लेसमेंट, और डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल की स्टूडेंट्स। ये मैग्नीट्यूड होता है लेंथ ऑफ द लाइन ए बी, मतलब ये जो लाइन है इनिशियल और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाली लाइन, वही हो जाएगा उसका मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ, इधर शिफ्ट हुआ है फिलहाल, इधर शिफ्ट हुआ है स्टूडेंट्स। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे अगर देखें हम, तो ये जो ए से लेकर बी जाना है, तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल जो डिस्टेंस ट्रेवल अगर करना पड़े हमें, तो वो ए बी लाइन के अलॉन्ग ही होगा, इससे कम डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। अगर इसके अलावा कोई और पाथ पकड़ लिया तो डिस्टेंस 10 मीटर से ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा। तो ऐसा भी कहते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, ऐसा भी कहते हैं, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस। ओके स्टूडेंट्स, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स, और समझ में आएगा स्टूडेंट्स। एक एग्जाम्पल, सपोज एक पार्टिकल है, वो ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है सर्कुलर पाथ पे, ऐसे चलता है और वापस वो इसी पॉइंट पे सर्कल में वापस आ जाता है। सर्कल का रेडियस सपोज है आर, ठीक है,
वो इस तरीके से घूमता है और वापस सेम पॉइंट पर आ जाता है, ए पॉइंट पर। तो शन हमें बताना है इस केस में कि डिस्टेंस ट्रेवल कितना है और डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हुआ इस प्रोसेस में। सोचें स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपने सोचा होगा। और अब देखो बड़ी इंटरेस्टिंग बात, ये जो पार्टिकल है ये वापस घूमकर सर्कल में वापस आ गया। डिस्टेंस कितना होता है? डिस्टेंस होता है लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय पार्टिकल। तो ये जो लेंथ ऑफ द पाथ क्या हो जाएगा? सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। तो हम जानते हैं कितना होता है, 2πr। तो हम लिख देते हैं डिस्टेंस कितना हो गया स्टूडेंट, 2πr। यहाँ डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं क्योंकि डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं स्टूडेंट्स, पार्टिकल घूम फिर के वापस सेम पॉइंट पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा स्टूडेंट्स? स्टूडेंट जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। अगर पार्टिकल घूम फिर के कहीं से भी, यही पाथ नहीं कहीं और भी से घूम के आया था ना ऐसे, तब भी अगर सेम पॉइंट पे वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। उसका कारण क्या है? तो स्टूडेंट्स हमने अभी देखा था, पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया तो ए और बी को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसकी लेंथ, अब ए और बी, यहाँ बी तो कुछ है ही नहीं, वापस ए पे आ गया तो लाइन की लेंथ कितनी बनी? जीरो। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया स्टूडेंट? जीरो। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर हम सेम पॉइंट पे वापस आ जाते हैं घूम फिर के कैसे भी आए, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स, देखो सपोज एक पार्टिकल है या एक स्टूडेंट है, वो एक सर्कुलर पाथ पे चलता है और ये बी पॉइंट पे आ जाता है। स्टूडेंट ये जो पाथ है ये सर्कुलर है, दिख नहीं रहा होगा कोई बात नहीं, सर्कुलर ही है वो, इसका रेडियस आर है। तो एक तो वो एक बार क्या करता है, वो इस सर्कुलर पाथ से होते हुए बी पॉइंट तक पहुंचता है और दूसरी बार वो डायरेक्टली पहुंच जाता है, डायरेक्टली स्टूडेंट्स। तो डायरेक्टली पहुंच जाएगा तो उसको नाम दे दीजिए पाथ टू, इसको नाम दे दिया पाथ वन। आपको क्या करना है, आपको बताना है कि पाथ वन और पाथ टू दोनों में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। पाथ वन, पाथ टू, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कितना कितना होगा? तो स्टूडेंट करें एक बार, आप लोग एक मिनट लें करें। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपने किया होगा सॉल्व, है ना। अब मैं बताता हूँ, अगर वो पाथ वन से जाता है तो जो डिस्टेंस होगा वो तो लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड होता है। तो ये देखो ये पूरे सर्कल का आधा है, पूरे सर्कल की लेंथ होती है 2πr, सर्कल के जो पेरीमीटर की लेंथ होती है 2πr, और ये आधे की कितनी होगी? तो पाई आर होगी। तो हम लिख देंगे भैया डिस्टेंस पहले पाथ में पाई आर हुआ। डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ए से बी डायरेक्ट चला गया, कितना होगा स्टूडेंट? ये आर, ये भी आर, तो 2r हो गया ना, सही बात। अब पाथ 2 से जाएगा स्टूडेंट, जो कि पहले से ही मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला पाथ है ये, है ना। ए से बी जाएगा तो लेंथ ऑफ द पाथ भी कितना हो जाएगा? 2r, और डिस्प्लेसमेंट जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो भी 2r हो गया। क्या आया समझ स्टूडेंट्स? एक चीज यहाँ पे हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि डिस्टेंस जो है हमेशा ही डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है। ये स्टूडेंट्स डिस्टेंस हमेशा ही डिस्प्लेसमेंट से मैग्नीट्यूड वाइज बड़ा होता है या बराबर हो जाता है, उस केस में अगर पार्टिकल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले पाथ से ही चल रहा है। जैसे ऐसा ये वाला केस, इसमें पाथ टू में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो गए, पर और कोई पाथ से चला गया तो डिस्प्लेसमेंट तो वही रहेगा लेकिन डिस्टेंस बढ़ जाएगा, है ना स्टूडेंट्स। और एक और इम्पोर्टेंट बात जो आपको पता रहना चाहिए, हमें तो स्टूडेंट्स पढ़ना है वन डायमेंशन मोशन, मतलब पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ एक लाइन के अबाउट ही चलने वाला है। सपोज वो लाइन है ये, पार्टिकल तो इस लाइन के अलाउंग चलेगा। अब पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज करता है, सपोज पहले वो एक्स मान लिया, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, पार्टिकल का पहले पोजीशन थी एक्स आई, बाद में हो गया एक्स एफ, सपोज ये है एक्स आई, ये हो गया एक्स एफ, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा स्टूडेंट? डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाएं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे भी कहते हैं चेंज इन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन के बराबर ही होता है। तो फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट,
अपने आप डायरेक्शन भी आ जाएगी और मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा स्टूडेंट्स। अभी एग्जांपल करते हैं, उससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये देखो प्रॉब्लम्स। तो ये क्वेश्चन ऐसा है, हम क्या करेंगे, पार्टिकल को इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन ले जाएंगे अलग अलग केसेस में, है ना। कभी माइनस वन से प्लस टू ले गए, कभी माइनस टू से इधर ले गए प्लस फोर तक, कहीं कहीं लेके जाएंगे, और सारे केसेस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होता है दोनों को कैलकुलेट करेंगे इसमें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, को बड़े ध्यान से आपको सुनना है। बिल्कुल स्टार कर दिया अभी से ही, बिल्कुल, है ना। ओके स्टूडेंट, पूरा ध्यान दें यहाँ पे। तो पहला केस बनाते हैं, सपोज पार्टिकल x इज इक्वल टू जीरो से पार्टिकल को लेके जा रहे हैं, x इज इक्वल टू प्लस थ्री, तो डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। सबसे पहले स्टूडेंट मैं डिस्प्लेसमेंट निकालता हूँ। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हम जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन क्या है तो प्लस थ्री है, माइनस इनिशियल पोजीशन क्या है तो जीरो है। सीधे लगाओ, आंसर लाओ, प्लस थ्री मीटर। ये प्लस साइन बता रहा है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और मैग्नीट्यूड कितना है तो थ्री। तो स्टूडेंट देखो, इनिशियल पोजीशन थी एक्स इजिकल टू जीरो मतलब ये, और फाइनल पोजीशन स्टूडेंट्स हो गई है ये। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ किधर है, इधर की तरफ, इधर। अगर मैं बनाऊँ डिस्प्लेसमेंट वैक्टर तो वो ऐसा हुआ डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट, इधर की तरफ। इसको मैं बोलता हूँ एस वन वैक्टर। डिस्प्लेसमेंट हुआ स्टूडेंट इधर, ये पहला वेक्टर। डिस्टेंस ट्रेवल, तो डिस्टेंस भी लेंथ तो पाथ कितना है वो थ्री ही है स्टूडेंट। एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, अगर पार्टिकल सेम दिशा में चल रहा है, अपनी वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बराबर ही रहेगा। अगर पार्टिकल चले जा रहा है, 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 अपना डिस्टेंस, अपना जो डायरेक्शन है वो चेंज ही नहीं करता है, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर ही होंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट, इस बात का हम यूज करेंगे बार बार। एक और केस लेते हैं, सपोज ये x इज इक्वल टू माइनस वन से x इज इक्वल टू प्लस थ्री पे गए होते, x इज इक्वल टू माइनस वन ये हो गया स्टूडेंट्स, और x इज इक्वल टू प्लस थ्री यही पोजीशन हो गई। अगर ऐसा होता तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता और डिस्टेंस कितना होता। डिस्प्लेसमेंट इसको एस टू बोल देते हैं, सीधे फॉर्म लगाओ पहले। तो क्या होगा, फाइनल पोजीशन है प्लस थ्री माइनस इनिशियल पोजीशन क्या है माइनस माइनस वन। स्टूडेंट यहाँ गलती हो जाती है, यहाँ पे जो फॉर्मूला है इसको, इसमें x सब कुछ जो है साइन के साथ पुट करना है स्टूडेंट्स। तो s2 क्या हो गया, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये आ गया स्टूडेंट प्लस फोर मीटर। आई क्या बात समझ में स्टूडेंट, प्लस बता रहा डायरेक्शन पॉजिटिव में, डिस्प्लेसमेंट हुआ है पॉजिटिव डायरेक्शन में, और फोर बता रहा मैग्नीट्यूड। तो अगर मैं प्लॉट करूँ इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो ऐसा बनेगा स्टूडेंट, ये कुछ ऐसा इधर की तरफ, ये हुआ डिस्प्लेसमेंट s2 वेक्टर, ऐसे कह सकते हैं। s2 वेक्टर क्या है, टूवर्ड्स राइट, और पार्टिकल सेम दिशा में चलता रहा है तो डिस्टेंस भी उतना ही होगा। मैं लिखता हूँ डिस्टेंस कितना हो गया 4 मीटर। एक और केस ले लेते हैं, ये x इज इक्वल टू 2 प्लस 2 से x इज इक्वल टू माइनस 2 तक गया पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इसको s3 बोलते हैं। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन है x इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस इनिशियल पोजीशन है माइनस इनिशियल पोजीशन कितना है प्लस 2 है, तो माइनस यहाँ पे आएगा प्लस 2, तो 2 माइनस 2 माइनस 4 मीटर। अब ये बता रहा है माइनस साइन कि डिस्प्लेसमेंट हुआ है नेगेटिव x डायरेक्शन में, प्लस 2 से ये है इनिशियल पोजीशन और ये है उसकी फाइनल पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहाँ से लिख के यहाँ पर नेगेटिव डायरेक्शन साइन बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट प्लस टू से माइनस टू हुआ है, तो बना देंगे ऐसे। ये रहा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस, कितना एस थ्री। अब स्टूडेंट एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट करते हैं, फिर देखना आपको बहुत इम्पॉर्टेंट बात पता चलेगी, ये आखिरी केस बहुत इम्पॉर्टेंट है। सपोज स्टूडेंट्स पार्टिकल स्टार्ट करता है प्लस थ्री से, एक्स इजिकल टू माइनस थ्री से, इसको हमने नाम दिया ए, फिर वो जाता है प्लस वन तक, प्लस वन तक गया यहाँ पर, इसको नाम दिया हमने स्टूडेंट बी पॉइंट, और फिर यहाँ से वो पलट के आ जाता है वापस से माइनस वन पे आ जाता है, इसको हमने नाम दिया सी, मतलब पार्टिकल ऐसे गया और ऐसे वापस आया है इस तरीके से। तो हमें बताना है डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो हम ये जानते हैं कि एक्स इनिशियल
जो है वो कितना है, तो ए पॉइंट का पोजिशन वेक्टर माइनस थ्री ही है। एक्स फाइनल अगर निकालेंगे तो सी तक आ गया, फाइनल हो गया माइनस वन। अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो बड़ा सिंपल तरीका वही है, डिस्प्लेसमेंट इसको एस फोर कह देते हैं, फाइनल पोजिशन वैक्टर माइनस इनिशियल पोजिशन वैक्टर। तो फाइनल पोजिशन वैक्टर है माइनस वन माइनस इनिशियल पोजिशन वैक्टर क्या हुआ है, क्या दिया हुआ है माइनस थ्री। तो इसमें डायरेक्टली आंसर आया प्लस टू, ये प्लस साइन बता रहा है डिस्प्लेसमेंट हुआ है अभी भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो हाँ, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही हुआ है, यहाँ देखो डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है, ये है एस फोर वैक्टर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन क्या डिस्प्लेस यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल भी उतना ही होगा? नहीं, यहाँ पर देखो पार्टिकल ने क्या है अपना डायरेक्शन बदल लिया। हमें अगर डिस्टेंस निकालना है तो स्टूडेंट टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, लेंथ ऑफ द पाथ, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। तो यहाँ से लेके यहाँ तक देखो माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन, मतलब x इज इक्वल टू जीरो तक पहुँचने तक ही 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक खुद 3 मीटर है, फिर यहाँ से ये तो x इज इक्वल टू जीरो आ गया ना स्टूडेंट्स, यहाँ से लेके यहाँ पर फिर 1 मीटर है, यहाँ तक तो अभी क्या हुआ हम ए से लेके बी तक ही आए, फिर बी से सी, बी है प्लस वन और ये माइनस वन, तो बी से लेके सी कितना हो गया स्टूडेंट्स, ये 2 मीटर हो गया स्टूडेंट्स। तो 4 प्लस 2 स्टूडेंट डिस्टेंस है 6 मीटर, यह है इंपॉर्टेंट बात कि डिस्टेंस निकालते वक्त बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। अगर पार्टिकल जो है अपना डायरेक्शन और मोशन चेंज करता है तो बी केयरफुल, हर छोटे छोटे पार्ट में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उनको इंडिविजुअली ऐड करना होता है, ऐड करना होता है। तो स्टूडेंट्स आई होप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बारीकियाँ आपको समझ में आई होगी, और नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हैप्पी लर्निंग।